जी अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ हाफ़िज़ गौहर अनवर, माय ग्रुप फेलो सैयदोन मोहम्मद गाजी अरीब खान, और हमारा प्रोजेक्ट जो हमें प्रोजेक्ट के लिए वेबसाइट दी गई थी वो अस्करी बैंक की थी, और ये हमने जो है ना अस्करी बैंक का जो ऑफिशियल लोगो है वो इसमें जो है ना पेस्ट किया हुआ है, और हमने अपना ये प्रोजेक्ट जो है ना सर डॉक्टर जवेद अंजुम शेख की जो निगरानी में जो है ना कम्प्लीट की है, उनकी गाइडेंस में जो है ना कंप्लीट किया, और हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हमें इससे इस कदर जो है काबिल टीचर मिले हैं कि उनकी निगरानी में हमने ये प्रोजेक्ट जो है ना अपना कंप्लीट कर सके, और बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो सैयदोन मोहम्मद जो है ना वो करेंगे प्रेजेंट। अस्सलाम वालेकुम। वेबसाइट की जो है हिस्ट्रिक एवलुएशन जो है स्क्रीनशॉट उसके ऐड किए हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि मेंशन किया गया है रेड रिक्टेंगल के साथ कि ये जो इसकी मेन्यू बार है, ये तो इसको टॉप पे होना चाहिए, और ये जो सर्च बार है बिल्कुल विजिबल नहीं है, क्लियर नहीं है। इसको या तो ये मेन्यू बार के नीचे होती है और ये टॉप पे होती है और थोड़ी बड़ी होती ताकि क्लियर नज़र आ सकती, इजी टू इंटरेक्ट, इज यूज़र फ्रेंडली होती तो ज़्यादा बेटर था। उसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट वाला जो पोर्शन है हमारा, इसमें बहुत ज़्यादा क्राउडी है। यूज़र देख के एकदम परेशान हो जाता है, इतना कुछ है समझ नहीं आती कि क्या करना है, किस पे क्लिक करना है और कैसे सारा इसको फर्दर प्रोसेस करना है। उसके बाद जब हम वेबसाइट अपनी लिंक ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप पे ये एक जो है ना एडवर्टाइजमेंट का शो होता है ऑप्शन, तो ये जो स्टार्टअप का ऑप्शन है ना, ये वाला, इसके इधर ज़रा भी उन्होंने कोई हेडिंग में कोई भी ऑप्शन नहीं दी हुई, कोई भी उन्होंने बताया नहीं कि ये एडवर्टाइजमेंट का है या दूसरा है हमारा साथ है, क्या नाम इस पे लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, बस नीचे एक फोटो लगा दी हुई है, ऊपर को पता ही नहीं कि क्या है। और ये एक्सचेंज के बारे, ये जो है इसके बॉटम में हमारी वेबसाइट के ये एक्सचेंज नोट्स के बारे में उन्होंने एक आइकन ऐड कर दिया है, फोटो लगा दी हुई है उसके ऊपर, और बिल्कुल एक अलग से नज़र आ रहा होता है, और कोई भी इसका एक अच्छा इंटरफेस नहीं नज़र आ रहा होता। इसको भी ऑप्शंस में कहीं पे होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं था होना चाहिए। और उसके बाद जो हमारी सर्च बार है, जब हम सर्च बार पे क्लिक करते हैं कोई भी कार्ड्स के बारे में कोई भी सर्च करें तो ये सजेशन नहीं हमें शो करता, सजेशन शो करना चाहिए इसको। और हमारा लॉगिन वाला जो इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन का एक्सेस है, वहाँ पे जब आए तो सिर्फ क्लिक टू प्रोसीड लिखा हुआ है, फॉरगेट फॉगेट का नहीं ऑप्शन आता, तो वो भी होना चाहिए फॉगेट पासवर्ड का। आगे आते हैं हम, उसके बाद इसके एवेल्युएशन में जो हमने प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दी हैं कि एडवर्टाइजमेंट ट्रैफिक प्रॉब्लम है, क्राउडी है बहुत, सर्च बार आइकन नॉट विजिबल क्लियरली, सर्च बार इज नॉट गिविंग सजेशंस, नो कार्ड ऑप्शन, कार्ड्स ऑप्शन इन मेन्यू इट शुड बी प्लेस एट ग्रीन बॉक्स, मैंने मेंशन किया हुआ है पीछे कि ये ऊपर ग्रीन बॉक्स है हमारा, ये वाला नीचे होना चाहिए था, वो थोड़ा ऊपर हो गया मेरे से। अबाउट अस के बाद हो सकता है, पहले हो सकता है एटीएम कार्ड्स का ऑप्शन, मेन्यू बार में ये एक टैब होनी चाहिए इसकी भी, और उसके बाद एक्स्ट्रा चेंज नोट्स बटन जिसका मैंने जिक्र किया बॉटम में है, वो उसका एक तो आइकन बहुत ब्लर है और एक वो बिल्कुल ही अनोखा सा लगता है। नो हेडिंग ऑन स्टार्टअप ड्रॉप बॉक्स, उसकी जो स्टार्टअप पे जब कोई ड्रॉप बॉक्स इसका ओपन होता है ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो उस पर कोई हेडिंग नहीं उन्होंने दी हुई, ऐसे ही बस आ रहा है और उसको क्रॉस ही कर सकते हैं, आपको समझ नहीं आती क्या करना है क्या नहीं। नो फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन, फॉरगेट पासवर्ड की ऑप्शन नहीं है। उसके बाद सेवेरिटी आ जाती है सर्च बार की, हमारे पास लेवल 3 की है कि इसको ज़रूरत है चेंज करने की। एडवर्टाइजमेंट बार की लेवल 2 की है, माइनर सा थोड़ा सा चेंज होना चाहिए इसमें थोड़ा बहुत। एटीएम कार्ड्स को भी ज़रूरत है कि सामने होने चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि इसमें ये बैंक कौन कौन से कार्ड की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और किस तरह प्रोवाइड कर रहा है और क्या इसका उसकी फर्दर डिटेल्स हैं। और फॉरगेट पासवर्ड बटन जो है वो भी होना चाहिए, इस वजह से भी वो लेवल 3 की उसकी
और ह्यूरिस्टिक एरर जो है हमारे पास यूज़र कंट्रोल और फ्रीडम है, यूज़र जो के ये यूज़र फ्रेंडली तो है ही नहीं ना बिल्कुल ही। और रिकग्निशन रादर देन रिकॉल है, एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्टिक मिनिमलिस्टिक और हेल्प यूज़र्स विद एरर्स, ना तो यूज़र्स को गाइड करती है, गाइड कर पाते रहे अगर समझ सकते हैं यूज़र के अगर कोई इशू हो जाए, कोई मसला हो जाए या कोई चीज़ चेक करनी हो, या चैटिंग का ऑप्शन होना चाहिए तो वो भी बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं है। और हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में थोड़ा बहुत यही है कि आप कॉन्टैक्ट स्पेशल जाके आप बस उसको कॉल कर सकते हैं और हेल्पलाइन पे, और फिर ही जाके आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और अदरवाइज नो चांस। उसके बाद रिकमेंडेशन जो मैंने की है वो ये है कि सिस्टम शुड हैव प्रॉपर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, क्लियर एंड सिंपल यूज़र इंटरफेस, सिंपल शुड हैव ATM कार्ड्स टैब इन होम मेन्यू बार, जैसे मैंने पहले बताया। सिस्टम शुड हैव मेन्यू बार ऑन टॉप ऑफ द स्क्रीन, और सिस्टम शुड हैव प्रॉपर सर्च बार एंड आइकन विद सजेशन प्रोवाइडेड ड्रॉप डाउन, सिस्टम शुड हैव प्रॉपर हेडिंग्स लिंक्स ड्रॉप डाउन बटन्स एंड क्लियर आइकन्स, और कम अज कम प्रॉपर पैडिंग होनी चाहिए। तो ये हमने ना अपनी वेबसाइट डिज़ाइन की है थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करके, ताकि भाई इसकी एक यूज़र फ्रेंडली लुक आ सके और क्लियरली हमें एक एक चीज़ का पता चल सके। तो ये आपको मैं चेक करवाता हूँ, जैसे कि हम पर्सनल पे, जस्ट अ मिनट। जैसे कि हम पर्सनल पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा पर्सनल का ऑप्शन खुल जाएगा, और वैल्यू प्लस करंट अकाउंट पे हमने कोई चेंज नहीं किया, इसलिए इसे हम क्लिक करेंगे तो ये नो चेंज का ऑप्शन हमें शो कर देगा फर्दर। और अगर हमने बैक जाना है, या तो हम अपने होम पेज पे क्लिक करके जा सकते हैं या अपने आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं। बिजनेस पे क्लिक करेंगे तो बिजनेस की फर्दर ऑप्शन, फर्दर लिंक्स खुल जाएंगे, बिजनेस के रिलेटेड लिंक्स में भी हमने थोड़े से चेंजिंग किए हुए हैं, जो जिसके साथ ज़्यादा सूटेबल थे वो उसके साथ अटैच किए हैं ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो सकें। और आइसक्रीम बैंक पे आए, वापस क्लिक किया तो वापस आ गए। इस्लामिक पे क्लिक करेंगे तो हम फर्दर पर जो है ना उसका ऑप्शंस, उसके ऑप्शंस आ जाएंगे, और सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो सर्विसेज के आ जाएंगे, और ATM पे क्लिक करेंगे तो ये आप देखे हमारे जितने भी कार्ड्स हैं उसकी ऑप्शन आना शुरू हो गया। आइसक्री वीज़ा डेबिट कार्ड, पेपाक डेबिट कार्ड, यूनियन पे डेबिट कार्ड, आइसक्री EMU डेबिट कार्ड, सारे फर्दर। लेकिन लिंक्स जो है ना इनमें जिस पे भी आप क्लिक करेंगे नो चेंज, क्योंकि वो ऑलरेडी वेबसाइट में थे, उनकी डिटेल्स और बेहतर थी, इस वजह से नहीं चेंज किया, चेंज की ज़रूरत नहीं थी उनको। तो अबाउट अस में आके अबाउट अस की फर्दर इंफॉर्मेशन आ गई। इन्वेस्टर रिलेशंस पे क्लिक करेंगे तो इसकी इसका एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। करियर्स पे क्लिक करेंगे तो करियर्स का क्विक लिंक्स पे आए तो इनका हो जाएगा, रिलेटेड लिंक्स पे इनका हो जाएगा। और फर्दर हम कॉन्टैक्ट अस पे जाना चाहें, कॉन्टैक्ट अस पे हम क्लिक करें इस तरह, सॉरी किधर गया, नीचे चला गई है, इंटरनेट बैंकिंग पे हम पहले क्लिक कर लेते हैं। ये लॉगिन पेज हमारा ऊपर हो गया, और ये हमने फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन लगा दिया इसके ऊपर। और वापस आना है तो हम आइसक्री बैंक डिजिटल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा वापस आ जाएगा। और कॉन्टैक्ट अस इस एरो के नीचे है, इस वजह से वो क्लिक नहीं हुई ईजीली हो पा रहा, वरना हो जाना था। एरो आगे ना दरअसल आगे, वैसे मैं दिखा देता हूँ कॉन्टैक्ट अस का पेज भी हमने जो है ना थोड़ा सा उसमें भी चेंजिंग की। ये पेज उसका इस तरह से बनाया, ऊपर हेडिंग आ गई इसकी, और ये सारा फर्दर इंफॉर्मेशन आ गई, इस पर भी सारे लिंक्स जो है ना वर्क कर रहे हैं। उसके बाद जो है ना गोहर डिस्क्राइब करेंगे वेबसाइट की रीडिजाइनिंग वगैरह के बारे में। जी थैंक यू सो मच ओन भाई। अच्छा तो सर इसमें जो है ना हमने जो
पहले जो हमें वेबसाइट एलोकेट की गई थी, हमने उसको पहले जो है ना उसके गुड एंड बैड पॉइंट्स देखे, फिर उस पर जो है ना हेरिस्टिक वैल्यूएशन अप्लाई की, फिर उसमें टास्क एनालिसिस की अप्लाई की। टास्क एनालिसिस में देखा जो चेंजिंग कर सकते थे टास्क, डिफरेंट टास्क में वो चेंजिंग करके उसके जो टास्क थे वो डिफरेंट जो है ना डिवाइड किए, और उसमें जो हमने एटीएम का जो टैब रखा है स्टार्ट पे जो है ना मेन मेन्यू बार में नेविगेशन बार में, वो हमने जो है ना टास्क टास्क एनालिसिस के बाद रखा, और उसके बाद जो है ना हमने वो फर्दर कुछ चेंजेस करके जो है ना हमने जो है ना डिजिटल प्रोटोटाइप बनाई अपनी, ये जो डिजाइन बनाया तो हमने जो उनसे हमें जो है ना ग्रुप एलोकेट किया गया था कि हमने जो है ना उससे उस अपनी इवेल्युएशन करवानी है इस डिजाइन की, तो उसको सेंड किया, तो उसने ये जो कुछ पॉइंट्स निकाले थे कि हमारे जो न्यू डिजाइन के अकॉर्डिंग हमारा न्यू डिजाइन यानी कि ये कुछ पॉइंट्स जो है ना होल्ड नहीं हो रहा, तो वो सबसे पहले वो मैं डिस्कस करता हूँ कि उसने क्या पॉइंट्स निकाले थे। तो उसमें उन्होंने एक पॉइंट ये निकाला था कि मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड, तो उसमें ये उन्होंने अपनी सारी ये रीजन लिख दी थी कि जिसमें यानी कि उसमें जो है ना ये हमारी वेबसाइट जो है ना सिस्टम यानी कि जो सिस्टम है वेबसाइट है ये जो है ना रियल वर्ल्ड के साथ मैच नहीं कर रही, और इसमें उन्होंने नीचे नीचे जो है रीजन लिख दी थी को ऐसे जो है ना अनफेमिलियर हो जाएगा यूजर अंडरस्टैंडिंग कर पाएगा, मतलब इनको जो है ना जो स्टैंडर्ड साइज होता है बैंकिंग वेबसाइट का वो फॉलो करना चाहिए। और आगे करिएगा उन भाई नेक्स्ट स्लाइड। और इसमें इन्होंने ये हाईलाइटेड किया है कि मतलब ये जो उन्होंने पॉइंट निकाला ये स्पेस पे निकाला कि ये जो सर्च बार है ये जो हमने जो नीचे डिस्प्ले की हुई है ना वो इस बेस पे उन्होंने इसको जो है ना यानी क्रिटिसाइज किया। और हमने ये इधर इस साइड इसलिए लिखा था कि ये पहले जो है ना स्टार्ट पे थी, और ये मेन्यू बार जो है नेविगेशन बार है ये भी बहुत जो है ना स्मॉल सा बना था, छोटा सा बना हुआ था, विजिबल नहीं था बराबर, इसको विजिबल बनाया, और वो ऊपर से नेविगेशन बार के ऊपर जो चीज़ें थी उसको जो है ना नीचे हम बॉटम में ले आए हैं, और इधर जो है ना हम सर्च बार को भी जो है ना ऊपर जो मेन इसके पॉइंट्स थे नेविगेशन बार के नीचे उसके मेन पॉइंट्स के बाद जो है ना हमने सर्च बार को डिस्प्ले कर दिया विद जो है ना डार्क शेड के साथ, डार्क शेड के साथ डिस्प्ले कर दिया है उसके जो एडवर्टाइजमेंट सेक्शन है ना वो उसके पीछे जो है ना डिस्प्ले हुआ करेगा, इस तरह करके हमने बना दिया। तो उन्होंने जो है ना इस चीज़ पे तनकीद की कि ये जो है ना स्टैंडर्ड के खिलाफ है। और दूसरा जो पॉइंट है उन्होंने ये निकाला कि मतलब हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन है जो इस वेबसाइट की जो हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन है वो बिल्कुल भी नहीं है, अगर यूज़र किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूज हो जाता है या कोई ले मैन है कोई फर्स्ट टाइम हमारी जो वेबसाइट पे आता है तो उसको पता नहीं चलता कि फलां टास्क है फलां फंक्शन है वो मैंने परफॉर्म करना है तो वो किस तरह से कौन से स्टेप परफॉर्म करके तो वो किए जा सकते हैं। तो ये इन्होंने दो पॉइंट निकाले थे। तो अब मैं इन दो पॉइंट्स की जो है जस्टिफिकेशन के लिए ओन भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। अच्छा तो ये जो है ना उन्होंने ये जो सबसे पहले ये जो है ना निकाला था सर्च बार के लिए जो निकाला था ठीक है ना हेल्प एंड अप नेक्स्ट स्लाइड करिएगा उन भाई। हाँ जी इसमें जो मैंने उन्होंने ये टोटल जो है ना दो पॉइंट्स निकाले थे वो मैंने आपके सामने जो है ना डिस्क्राइब किए हैं, उसमें ये जो मैंने उनका पॉइंट नॉट एक्सेप्टेड किया वो हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन है, वो हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन मैंने इस बेस पे जो है ना रिजेक्ट किया है कि हमारी जो वेबसाइट है वो प्रॉपरली जो है ना वेल डिफाइंड है और सिंपल वर्डिंग में है, और हमने हर चीज़ के साथ जो है ना आइकॉन्स यूज़ किए हैं, और जैसा कि हमने आपको पहले भी दिखाया था अभी फिर आपको दिखा देते हैं होम पेज, अपना होम पेज दिखाइएगा उन भाई। होम पेज दिखा रहे थे उस पे जो है ना हर पॉइंट के साथ जो है ना हमने आइकॉन्स यूज़ किए हैं, जैसे होम है पर्सनल है बिजनेस है इस्लामिक है ठीक है, उसमें हर चीज़ के साथ ऊपर हमने आइकॉन्स यूज़ किए हैं, और प्रॉपर लोगो दिया है प्रॉपर हर चीज़ मेंशन है, और वो जो मास्टर कार्ड्स वाला सेक्शन है उसके साथ कार्ड लगा दिया है ठीक है ना, हर चीज़ के साथ इंटरनेट बैंकिंग के साथ वो एक छोटी सी पिक्चर अटैच कर दिया है कि एक लड़का बैठा हुआ है आगे लैपटॉप पकड़ के, तो इससे बंदा अंडरस्टैंड कर सकता है इजीली, हर चीज़ के साथ जो है ना वेल मैनरी जो है ना वो जो है ना डिस्क्राइब की गई है हर चीज़ को। तो और वो जो वो कह रहे थे कि हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और हम इस चीज़ की जरूरत महसूस नहीं करते वो इसलिए कि ये देख सकते हैं आप जो है ना होम पेज के जो बटन पे है हमने कॉल सेंटर की जो ऑप्शन रखी हुई है कि अगर यूज़र को कोई सी भी हेल्प की जरूरत पड़ती है सबसे पहले तो वो उससे भी नीचे देखें कॉन्टेक्ट अस का जो है ना हमने वो पेज है आपको न्यू डिज़ाइन किया हमने वो आपको आगे ओन भाई ने दिखाया, तो
तो उसके ऊपर हमने जो है ना हर चीज़ जो जो मेन फंक्शन होते हैं, बेसिक मेन फंक्शन जो होते हैं बैंकिंग वेबसाइट के, उधर हमने जो है ना उनको स्टेप्स भी डिस्क्राइब भी कर दिया कि वो आप किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं या उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है, तो वो हमने जो है ना उधर बता दी हुई हैं। तो लेकिन और अगर उस टास्क के रिलेटेड भी आपको अगर मजीद कोई कंफर्मेशन चाहिए तो उनके लिए भी सेपरेटली हर एक के लिए जो है ना अर्जेंट जो है ना हेल्पिंग सेंटर का जो है ना आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है। और अगर फिर भी फर्दर किसी को कन्फ्यूजन होती है, मतलब ले मैं ना फर्स्ट टाइम आता है तो उसको उसने चीज़ कंफर्म करनी है कि पूरा टास्क का मैंने कंप्लीट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो वो सिंपली कॉल सेंटर पे कॉल करेगा और ये 24 आवर्स जो है ना ये कॉल सेंटर की सर्विस अवेलेबल होगी। तो वो कॉल सेंटर पे जो है ना अपनी जो कॉल करके तो वो इन्फॉर्मेशन जो है ना ले सकता है, गेट कर सकता है कि मैंने वो फ्लां टास्क करना है, आपकी वेबसाइट पे आया हूँ तो फ्लां मैंने काम करना है, तो मैं किस तरह कौन से स्टेप परफॉर्म करके तो मैं जो है ना अपना जो मकसद है वो पा सकता हूँ। तो इसलिए हमने जो है ना हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत महसूस नहीं की, तो इसलिए हमने नहीं बनाई। सो हम इनका ये पॉइंट जो है ना रिजेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट जो उसका उनका दूसरा पॉइंट था, नेक्स्ट स्लाइड करिएगा उन भाई, उनका जो दूसरा पॉइंट था कि जिसमें उन्होंने जो है ना वो कहा था कि मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड, जिसपे उन्होंने जो है ना क्रिटिसाइज किया था और टोटली उसके ऊपर सर्च बार के ऊपर, वो ठीक है उन्होंने जो भी अपनी जस्टिफिकेशन दी थी मैं उसको जो है ना एक्सेप्ट करता हूँ, वो किसी लिहाज से हम ठीक थे क्योंकि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने आगे भी पहले मेंशन किया है कि वो इसलिए हमने चेंज किया है कि वो पहले जो है ना ऊपर था और बिल्कुल माइनर सा जो है ना एक आइकॉन था, वो प्रॉपरली विजिबल भी नहीं होता था। लाइक अगर कोई मतलब को आई साइड वाले कोई अगर 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 यूजर आते हैं मतलब उनकी आई साइड वीक है तो वो उनको प्रॉपर विजिबल भी नहीं होता, तो वो फिर ये है कि उसके लिए हमने जो है ना एक हाईलाइटेड शेडेड जो है ना वो नीचे जो है ना उसका थोड़ा सा जो है ना व्यू भी तो थोड़ी सी विजिबिलिटी उसकी बढ़ा के तो नीचे जो है ना उसको डिस्प्ले कर दिया था, और उसके बैक पे जो है ना एडवर्टाइजमेंट जो सेक्शन था वो जो है ना डिस्प्ले कर दिया था। तो लेकिन उन्होंने अगर इसको इसको किया क्रिटिसाइज किया तो मैंने बाद में जो है ना उसके जो बैंकिंग वेबसाइट के जो है ना स्टैंडर्ड्स हैं उसको भी मैंने फिर बाद में एक्सप्लोर किया, तो मैं ये इनका एक्सेप्ट करता हूँ। तो मैंने इसको फिर जो ये ट्राई किया कि मतलब जो सर्च बार है वो उसको हम जो है ना नेविगेशन बार के साथ, यानी जैसा नेविगेशन बार के मुख्तलिफ टैब्स बने हैं उसके साथ हम एक न्यू टैब्स बना के मतलब एक टैब्स की शक्ल दे के तो उसके साथ डिस्प्ले कर देंगे। अगर उसके साथ नहीं करेंगे तो फिर जो नेविगेशन बार और उसके नीचे जो उसके मेन पॉइंट्स से फंक्शंस थे चार, इंटरनेट बैंकिंग, ATM लोकेटर वगैरह और वो मास्टर कार्ड्स वाले, उसके नीचे यानी कि जो उसके जो क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट का जो सेक्शन है उसके ऊपर हम जो है ना बड़ा सा करके उधर जो है ना डिस्प्ले कर देंगे प्रॉपर, और ऐसे जो है ना स्टैंडर्ड जो है ना फॉलो हो जाएगा सारा उसका। तो इस बिहाफ पे मैं इनका ये पॉइंट जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेता हूँ और इसमें मैं इम्प्रूवमेंट जो है ना अपनी कर लूँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट करिएगा जी। और इसके बाद जब मैंने इनको जो है ना अपनी वेबसाइट जो है ना मेल की थी वैल्यूएशन के लिए, तो उसके बाद मैंने खुद जो है ना अपनी वेबसाइट मैंने का जो डिज़ाइन मैंने निकाला है तो मैं भी खुद जो है ना उसके ऊपर अपनी वैल्यूएशन जो है ना उस पर करता हूँ कि क्या मैंने किस हद तक मैं जो है ना डिज़ाइन जो है ना बनाने में कामयाब हुए हैं, अब तो क्या कमी है कोई, तो वो जो कमियाँ मैंने महसूस की हैं जो इम्प्रूवमेंट मैंने महसूस की है वो भी मैंने हल्का सा इधर टच दिया है, मैंने उसको भी नोट डाउन किया, और जो मैंने उस पर कमियां महसूस की हैं वो भी इस पर मैंने नोट डाउन की है। सबसे पहले तो ये है कि इसमें जो इनका जो लोगो है, लोगो सबसे पहले मैंने देखा था, मैंने मैंने ये स्टार्ट भी फाइनलाइज कर लिया था कि इसका इनके लोगो का जो साइज है, जो इनकी साइज और कलर कम्बिनेशन है लोगो का वो थोड़ा सा मतलब बस ठीक है, अगर तो उनका ऑफिशियल है फिर तो ठीक है, तो मैंने चेंज भी इसीलिए नहीं किया इनको कि उनका ऑफिशियल चल रहा है ठीक है, तो अदरवाइज मैंने जो है ना इस डिज़ाइन में मेरी जो है ना ख्वाहिश थी कि मैं जो है ना लोगो भी डिज़ाइन करके दिखाता, लेकिन मैंने जो स्टडी किया था पता चला कि इनका ऑफिशियल था तो फिर मैंने इसको चेंज नहीं किया। तो मेरे ख्याल से इनका जो है ना इनकी वेबसाइट में इनका लोगो की रीडिज़ाइनिंग करने की भी ज़रूरत है, ये भी होनी चाहिए। और उसके बाद जो है ना इसके कुछ पॉइंट्स जो है ना विजिबल विजिबल नहीं है प्रॉपर, तो मैंने जो है ना उसको भी कुछ पॉइंट्स को काफ़ी हद तक विजिबल करने की कोशिश की है जो कि पिछले वर्जन में नहीं थे, यानी कि जो अभी जो करंट वर्जन चल रहा है उनका, तो
उसमें नहीं थे, लेकिन इस जो डिज़ाइन में, इस डिज़ाइन में करने की कोशिश की है, जिस तरह जो नेविगेशन बार था वो, उनके जो फॉन्ट्स थे, उनका जो साइज था, उनकी पैडिंग थी, वो इतनी विजिबल नहीं थी जितने हमारी हमारे डिज़ाइन में विजिबल है। और कलर कम्बिनेशन भी इधर अच्छे है, और उनके ही थीम के अकॉर्डिंग है, और कलर कम्बिनेशन अच्छा है। और उसके बाद जो है कि वही अरेंज दी सम फंक्शनैलिटीज विद सूटेबल नेम्स, और कुछ फंक्शनैलिटीज यानी कि लाइक जैसे कि हमने एटीएम्स का जो है ना टैब उधर जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया, और उसके रिलेटेड जितने भी फंक्शनैलिटीज डिफरेंट टास्क के साथ जो अटैच थी, उसको हमने उधर से जो है ना डिस्पैच करके तो उधर अटैच कर दिया, कि अब बंदा जो है ना डायरेक्ट ही जो है ना उधर एटीएम पे जाए, और वो नीचे फर्दर जितने भी उसके कार्ड की कैटेगरीज हैं, इसकी जो असली वालों की, वो सारी की सारी देख सकता है, और वो कोई भी एक्सेस कर सकता है जो भी उसने करना है। तो पहले ये था कि उसमें जो है ना डिफरेंट कार्ड्स किसी कैटेगरी में थे, कुछ बिजनेस में थे, कुछ सर्विसेज में, कुछ बिजनेस में, इस तरह यानी कि डिवाइड हुए हुए थे। तो वो अभी मैंने सारे उठा के, ये मैंने टास्क एनालिसिस के टाइम जो मैंने काम करके उठा के ना तो उसको उधर रख दिया था। उसके बाद आई नीड टू क्रिएट दी वेब पेजेस फॉर फंक्शनैलिटीज दैट डाउनलोड दी सम डॉक्यूमेंट्स। हाँ, कुछ जब यानी कि होम पेज पे जो नेविगेशन बार के नीचे जो मेन चार पॉइंट्स हैं इनके, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम लोकेशन वाली जो ब्रांचेस की इन्होंने लिस्ट वगैरह दी हुई है, तो उसमें ये है कि जब एटीएम लोकेटर वाली ब्रांचेस पे जब हम कोई भी यूजर क्लिक करता है, तो वो एक डॉक्यूमेंट जो है ना डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। जब डाउनलोड होता है तो फिर एक डॉक्यूमेंट जो है ना वो पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड होता है, उसमें वो सारी ब्रांचेस की लिस्ट दी हुई है थ्रू आउट दी जो है ना वो कंट्री, थ्रू आउट दी कंट्री जो है ना सजेस्ट की हुआ है कि फलां कंट्री, कंट्री की पाकिस्तान यानी कि फलां सिटी में फलां फलां एरिया में ये जो है ना ब्रांचेज हैं जिधर उनका जो है ना एटीएम सिस्टम है उनका, तो वो सारा उनका जो है ना ब्रांच नंबर, उनका एड्रेस वगैरह हर चीज़ दी हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें ये जो है ना कि ये होना चाहिए कि यानी कि इसके ऊपर जो क्लिक करने जैसे जो है ना बजाय के डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो, जो है ना एक वेब पेज ओपन हो जाए, और उधर जो है ना आगे चाहे वो सिटी वाइज जो है ना डिस्क्राइब करके तो फर्दर वेब पेजेस हो, या वैसे ही एक वेब पेज खुल जाए और उसमें जो है ना हर जो ब्रांच है उसकी जो है ना डिटेल प्रोवाइड कर दी जाए कि ये ब्रांच है फलां फलां सिटी की है, इधर जो है ना एटीएम है, इधर नहीं है, या इधर है तो इधर की उसकी क्या टाइमिंग है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट डाउनलोड होता है तो जो कोई ले मैन होगा वो अगर डॉक्यूमेंट डाउनलोड, उसे पता ही नहीं चलेगा, उसने कहेगा लो मैंने क्लिक किया, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है, लाइक इनकी वेबसाइट प्रॉपर काम नहीं कर रही। तो अदरवाइज अगर किसी को पता भी चल जाएगा कि ऊपर से मैंने क्लिक किया था, डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो गया, तो वो देखेगा, लेकिन जब डाउनलोड हो जाएगा लेकिन उसके पास पीडीएफ जो है ना, पीडीएफ ऐप जो है ना लाजमी होना चाहिए डॉक्यूमेंट रीडर उसके मोबाइल में। और ये जो नॉर्मल जो ले मैंस होते हैं हमारे, उनके पास इस तरह के जो ऐप्स वगैरह मोबाइल में नहीं होते, तो वो फिर अगर डाउनलोड कर लेता तो उसके पास वो ऐप नहीं होगा, तो फिर भी वो अपनी जो फंक्शनैलिटीज है वो एक्सेस करने में नाकाम हो जाएगा। और इसके बाद एलोकेट दी सेपरेट पाथ फॉर एडवर्टाइजमेंट दैट डिस्प्ले एज अ पॉपअप मैसेज। हाँ, और इसमें मैंने ये किया है कि हमने पहले जो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो पाथ था इसके लिए बस सेक्शन था, वो काफ़ी ज़्यादा था और काफ़ी क्राउडी भी था, उसको हम काफ़ी हद तक कम करने में कामयाब हुए हैं। तो नेक्स्ट ये है कि इसमें मेरा ये पॉइंट है कि इसमें मजीद कम हो सकता है, और वो इस तरह कम हो सकता है, और हम जो है ना फ्रंट पेज को क्राउडी से भी बचा सकते हैं, कि लाइक अगर जिस टाइम भी होम पेज पे गए या हमने वेबसाइट खोली ओपन की, तो सामने एक पॉपअप मैसेज की सूरत में जो है ना जितने भी एडवर्टाइजमेंट है वो वन बाई वन वो जो है ना डिस्प्ले हो जाए, यानी पॉपअप शो हो, तो और अगर जो यूज़र जो है ना उसमें इंटरेस्टेड हुआ तो वो एडवर्टाइजमेंट सारी देख ले, सारे एड्स देख ले, अदरवाइज वो क्रॉस के जो है ना आइकॉन से जो है ना उसको रिमूव करके, तो अपनी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करके तो वेबसाइट क्लोज कर दे। तो इस तरह भी किया जा सकता है, ऐसे जो है ना होम पेज जो है ना काफ़ी क्राउडी होने से बच जाएगा, और यूज़र को भी जो है ना हर एड देखना नहीं पड़ेगा। वी कैन इंक्रीज दी फंक्शनैलिटी बाय कैटेगराइज्ड फॉर्म, जैसा कि ऊपर मैंने दो बार ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, कुछ कैटेगरीज में हमने की हैं जैसे कि एटीएम में, बाकी भी कुछ काफ़ी हद तक करने की कोशिश की है। तो मजीद इसमें कुछ जो है ना कैटेगराइज ऐसे हैं कि बस इन्होंने जो है ना डाटा कंप्लीट फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड की हुई है इस वेबसाइट में, और उसके बाद हमने भी जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना कैटेगराइज कर दी हुई है डाटा इसमें, लेकिन अभी काफ़ी कुछ जो है ना रिक्वायर्ड है मजीद, तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना कैटेगराइज करने की ज़रूरत है इसमें, कि हर एक चीज़ की एक फर्दर कैटेगरी होनी चाहिए, और उसको ओपन करने के साथ उसकी वो चीज़ें सारी डिस्प्ले हो जानी चाहिए।
और फर्दर जो है ना इसके, हाँ जो हमने जो डिज़ाइन बनाया उसमें जो बेसिक बैंकिंग वेबसाइट की जो फंक्शनैलिटीज होती हैं, रिक्वायरमेंट होती हैं, और जो उसकी यूजिबिलिटी विजिबिलिटी होती है, वो सारी की सारी जो है ना फुलफिल है। लेकिन जो एक्सटर्नल होती है, कलर कम्बिनेशन होते हैं, शेड्स होते हैं, थीम्स वगैरह होते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर मेंशन किया था 0.1 पे कि लोगों को रीडिज़ाइन होना चाहिए, इस तरह की फर्दर जो भी चीज़ें हैं वो, अगर वो जो है ना स्टेक होल्डर्स एग्री करें तो वो जो है ना फिर किया जा सकता है, फिर उनको जो है ना डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के साथ, डिफरेंट जो है ना शेड्स के साथ उनको दिखाया जा सकता है। अदरवाइज जो है ना बेसिक जो फंक्शनैलिटी है, बेसिक जो नीड है वो पूरी कर दी हुई है, बाकी मजीद अगर चाहें तो मजीद इसका डिज़ाइन को बेहतर किया जा सकता है। थैंक यू सो मच, ये था हमारा प्रोजेक्ट।